चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक इंटरेस्टिंग वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मी बैंड 4 के बारे में, जो कुछ इस तरह की पैकिंग में आता है और कहां से मैंने इसको ऑर्डर किया, कितने प्राइस में ये रहता है और मी बैंड 3 से कितना एडवांस ये बैंड रहता है, वो सभी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। दरअसल जो मेरे पास ये बैंड है, इस बैंड का डिज़ाइन हूबहू मी बैंड 3 की तरह बनाया हुआ है। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें मी बैंड 3 से एडवांस हैं, तो मैं इस बैंड को मी बैंड 3 का एडवांस वर्जन कहूँगा। इंडिया में ये मी बैंड 4 हो सकता है, हालांकि जो चाइना में इसका नेम है वो रहता है हे प्लस। तो इन फ्यूचर हम देखेंगे कि ये मी बैंड 4 होता है नहीं, फ़िलहाल मैं इसी को मी बैंड 4 कहूँगा और मुझे जहाँ तक उम्मीद है यही मी बैंड 4 होगा इंडिया में। तो चलिए इसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं कि किस तरह के बॉक्स कंटेंट्स हमें इस बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। कुछ इस तरह की पैकिंग में हमें ये हे बैंड प्लस देखने को मिल जाता है और आगे की तरफ इसका डिज़ाइन भी मेंशन है कि किस तरह का ये बैंड रहेगा। बैक साइड में इसकी कुछ डिटेल मेंशन है, जैसे कि NFC का हमें सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, हार्ट रेट मोनिटर इसमें रहता है, नोटिफिकेशन, देन उसके बाद 50 मीटर डेप्थ तक हमारा ये बैंड है वो वाटर रेजिस्टेंट रहेगा। नीचे की तरफ इसमें कुछ डिटेल मेंशन है, लेकिन ये चाइनीज़ लैंग्वेज में होने के कारण हमें कुछ समझ में नहीं आएगी। तो चलिए अब हम इस बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह की पैकिंग में ये हमारा बैंड रहता है। इसमें कुछ इस तरह से यहाँ पे बैंड रखा हुआ होता है और कुछ इस तरह का हमारा ये बैंड रहता है। हालांकि जो इसका स्ट्रैप है वो मी बैंड 3 के हुबहू बनाया हुआ है। तो चलिए अब हम इस बैंड के कैप्सूल है जो वो निकाल के आपको शो कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से हम इस बैंड का जो स्ट्रैप है उसको चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और हम बाय कर सकते हैं जैसे कि कलर वगैरह अगर हमें कुछ और चाहिए। तो कुछ इस तरह का ये कैप्सूल रहता है। ऊपर की तरफ हमें दो डॉट दिख ही रहे होंगे, दरअसल चार्जिंग के लिए रहते हैं, और नीचे की तरफ इसमें हार्ट रेट मॉनिटर के लिए सेंसर वगैरह दिए गए हैं। नीचे हमें ए प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो अब बैंड को रखते हैं साइड में और बॉक्स को ओपन करते हैं कि किस तरह के हमें बॉक्स कंटेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ऊपर की तरफ हमें एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाती है जिसमें लिखा है हे प्लस। तो इसको ओपन करके देख लेते हैं, देन उसके बाद हमें इसमें कुछ इस तरह की डिटेल मेंशन मिलेगी जो ज़्यादातर लैंग्वेज यूज़ की है वो है चाइनीज़। तो बैक साइड में देखते हैं कहीं इंग्लिश हमें मिलेगी, तो यहाँ पे कुछ डिटेल है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, बाकी सभी डिटेल इसमें ज़्यादातर चाइनीज़ लैंग्वेज में दी गई है। तो इन्होंने लिखा हुआ है वर्क विद मीडिया। दरअसल यहाँ से अगर हम कोई ऐप डाउनलोड करेंगे वो मीडिया को डाउनलोड कर देगा, यहाँ से हम अपने बैंड को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऊपर की तरफ जो हमें ये QR कोड दिया गया है यहाँ से हम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वो प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा क्योंकि हमें वेबसाइट पर चाइनीज़ लैंग्वेज का इंटरफेस देखने को मिलेगा। देन उसके बाद इसमें एक बॉक्स हमें देखने को मिल जाता है जो कुछ इस तरह का रहता है। चलिए इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से हमें इसमें केबल या चार्जिंग डॉक देखने को मिल जाएगा। यहाँ से हम इसको USB में प्लग कर सकते हैं और यहाँ पे हम अपने बैंड को एडजस्ट करेंगे। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ऐसे हम इस बैंड को नहीं एडजस्ट कर पाते, इसके लिए हमें इस कैप्सूल को स्ट्रैप में डालना पड़ेगा। तो चलिए इसको एक बार स्ट्रैप में डाल लेते हैं। तो स्ट्रैप में डालने के बाद इसमें कुछ इस तरह से हम बैक साइड से इस चार्जिंग डॉक को प्लग कर लेंगे। तो ये पिन हमारी रहती है ऊपर की तरफ, इसमें एक पार्ट दिया गया है और हमारे बैंड में एक होल रहता है वो सेट होना चाहिए। देन उसके बाद हम इसको इस तरह से अपने बैंड में चार्जिंग लगा सकते हैं। यहाँ से हम पावर बैंक से, लैपटॉप से और अडाप्टर से सप्लाई दे सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम इस बैंड के जो ऐप रहता है हे प्लस उसको डाउनलोड करेंगे। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें एक यूज़र मैनुअल हमें देखने को मिल जाएगी। देन उसके बाद हम अपने मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं, इसमें हमें एक स्कैनर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में स्कैनर नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर से उस स्कैनर को डाउनलोड कर सकते हो। देन उसके बाद इसमें QR कोड है, मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ। स्कैन होने के बाद कुछ इस तरह से इसमें URL आ जाए, तो मैं गो टू वेबसाइट पे क्लिक कर देता हूँ और देन उसके बाद मैं ओपन कर लेता हूँ वेबसाइट को। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा जो ज़्यादातर इसमें चाइनीज़ लैंग्वेज यूज़ की गई है। तो इस ब्लू लाइन के नीचे की तरफ कुछ वर्डिंग लिखी हुई है चाइनीज़ लैंग्वेज में, मैं तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। देन उसके बाद इसमें दो ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं, तो मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ पहले वाले पे। तो प्रोसेसिंग चलने के बाद इसमें
कुछ ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें जो है डाउनलोडिंग वो शुरू हो गई है, जो हमारा ऐप रहता है 33 point something MB का। तो ऐप डाउनलोड हो चुका है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देन उसमें इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं इंस्टॉल कर देता हूँ इस ऐप को। तो ओपन कर लेते हैं इस ऐप को, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट यूजिंग, देन उसके बाद इसमें हमें ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, वेलकम टू हे प्लस, प्लीज़ एंटर योर मोबाइल नंबर और मेल। तो मैं इसमें ईमेल आईडी एंटर कर लेता हूँ, तो मैं पासवर्ड इसमें एंटर कर लेता हूँ क्योंकि मैंने पहले ही इसमें अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। अगर आप अकाउंट पहली बार क्रिएट कर रहे हो तो आपसे बेसिक डिटेल वो पूछेगा, बेसिक डिटेल भर के आप अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो या साइन अप कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से इसमें ऑप्शन आ जाएगा। तो हमारा जो बैंड है तो उसको मैं उठा लेता हूँ क्योंकि ये ब्लूटूथ के थ्रू उसको सर्च करने लग जाता है, तो मैं ब्लूटूथ ऑन कर देता हूँ। ऊपर की तरफ अगर मैंने क्लिक किया तो कुछ इस तरह से इसमें 9A3C का ऑप्शन देखने में मिल जाएगा, या सर्च कर लेगा ये हमारे बैंड को। तो उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, देन उसके बाद ये दिखा रहा है कनेक्टिंग और हमारे बैंड में कोई एक्टिविटी नहीं हुई अभी तक। तो इसमें ऑप्शन आ गया, टैप कर देता हूँ, टैप करने के बाद बाइंडिंग शुरू हो जाती है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे बैंड में देखने को मिल जाएगा कनेक्ट होने के बाद। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस तरह का इसका बैंड का डिज़ाइन रहता है और किस तरह के फीचर हमें इस बैंड में देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ कि ऊपर की तरफ से बिल्कुल फ्लैट रहता है, कोई भी कर्व हमें देखने को नहीं मिलती। दरअसल अगर मैं बात करूँ मी बैंड 3 की, तो उसमें कर्व डिज़ाइन ऊपर की तरफ से दिया गया था। उसके बाद जो इसकी डिस्प्ले रहती है वो रहती है कलर एमोलेड डिस्प्ले का इसमें यूज़ किया गया है, और मी बैंड 3 में ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले का यूज़ किया गया था। दरअसल ये चाइनीज़ लैंग्वेज में है, तो हमें प्रॉपर इसकी फंक्शनैलिटी का पता नहीं चल पाएगा कि किस तरह की इसकी वर्डिंग रहती है। अगर हम इस बैंड को इंग्लिश में करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल वगैरह मेंशन कर दूंगा। मैं इसको इंग्लिश में नहीं कर पाया क्योंकि मैंने इसको पहले ही अपडेट कर दिया था, तो अपडेट से पहले की वो प्रक्रिया रहती है। तो इन फ्यूचर जब भी इसका अपडेट आएगा तो मैं इसको वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऊपर की तरफ अगर मैं स्लाइड करूँ तो उसके ऑप्शन निकल कर सामने आ जाते हैं। तो ऊपर की तरफ एक इसमें ऑप्शन दिया गया है, दरअसल ये इंडिया में सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि ये NFC का ऑप्शन दिया गया है, इसमें हम डेटा को ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद नीचे की तरफ इसमें एक ऑप्शन दिया गया है, इससे हम अपने डेली रूटीन की कितना मैंने ट्रैवल किया, कितने मैंने रनिंग की, मैंने कितनी साइकिलिंग की, वो सभी डाटा हम इसमें चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम हार्ट रेट मोनिटर करके देख लेते हैं। तो मैं इस हार्ट का जो सिंबल है उस पर क्लिक कर दूंगा, देन उसके बाद इसमें BPM नीचे लिखा आ जाएगा और ये हमारी हार्ट रेट को मॉनिटर करने लग जाता है। देन उसके बाद ये रिजल्ट शो कर देगा और इसमें वेरिएशन आती रहेगी जिस हिसाब से हमारी हार्ट रेट वेरी करती है। देन उसके बाद नीचे की तरफ हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिससे हम अपने जो मीडिया के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं इस बैंड के थ्रू। देन उसके बाद इसमें वेदर का ऑप्शन दिया गया है, हम वेदर चेक कर सकते हैं। और नीचे की तरफ इसमें और भी हमारे ऑप्शन दिए गए हैं कैलोरी वगैरह के। देन सेटिंग ऑप्शन देखने को हमें मिल जाता है जिसमें हमें अपने मोबाइल फ़ोन को फाइंड कर सकते हैं, या फिर इसमें फ्लैश का ऑप्शन भी हमें देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद इसमें एक ऑप्शन मैं आपको शो कर देता हूँ फोन फाइंडर का। कुछ इस तरह से हम अपने बैंड की मदद से अपने मोबाइल फ़ोन को भी फाइंड कर सकते हैं, और इसमें हमें अलार्म का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हम टाइम वगैरह सेट करके इस बैंड में अलार्म सेट कर सकते हैं, जब अलार्म का टाइम हो जाएगा तो ये बैंड वाइब्रेट करना लग जाएगा। तो कुछ इस तरह के ऑप्शन हमें इस बैंड में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस बैंड के स्क्रीन साइज़ के बारे में। तो इसका स्क्रीन साइज़ रहता है 0.96 inch, और रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो 240x120 रेजोल्यूशन इसमें दी गई है, और पिक्सल रहता है 24। बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो 120mAh की बैटरी इसमें दी गई है। चार्जिंग के लिए लगभग हमें 1 घंटा लग जाएगा इसको फुल चार्ज करने के लिए, और बैटरी लाइफ कितनी दे देगा ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है। तो लगभग 6 से 8 दिन का बैकअप हमें दे देगा अगर एक बार हम इस बैंड को फुल चार्ज कर लेते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि कौन सा ब्लूटूथ वर्जन इस बैंड में रहता है,
तो 4.2 ब्लूटूथ वर्जन इस बैंड में दिया गया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस तरह के ऑप्शन हमें जो ऐप रहता है हे प्लस उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो ऐप ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस रहता है। देन उसमें ऊपर की तरफ ट्रांजिस्ट कार्ड एक्सेस कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें हम कार्ड का डाटा ऐड करके NFC की तरह उसको यूज़ भी कर सकते हैं उस डेटा को। देन उसके बाद इसमें ऑप्शन हमें देखने को मिलता है हेल्थ का। इस ऑप्शन में हमें स्टेप हार्ट रेट और स्लीप का डेटा देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद इसमें ऑप्शन रहता है स्पोर्ट्स का। इसमें रनिंग रीडिंग और फ्री ट्रेनिंग का डेटा हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद नोटिफिकेशन का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। इस पर मैं क्लिक करके जो हमारे थर्ड पार्टी ऐप रहते हैं या फिर किस तरह की मेरे पास नोटिफिकेशन आएगी उसको कंट्रोल कर सकता हूँ या अनेबल या डिसेबल कर सकता हूँ। देन नीचे की तरफ हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा अलार्म का। तो इसमें मैं अलार्म सेट कर सकता हूँ और जब वो टाइम हो जाएगा जिस टाइम का मैंने अलार्म सेट किया है तो मेरा बैंड वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। वेदर का एक इसमें ऑप्शन दिया गया है स्पोर्ट का। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं हेल्प वगैरह ले सकता हूँ। देन सबसे अच्छा एक ऑप्शन और दिया गया है जो इस बैंड को काफ़ी एडवांस बनाता है क्लॉक फेस का। देन इसके बाद अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इस तरह के हमें 6 इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें अपने बैंड का मैं जो इंटरफेस है या थीम है वो चेंज कर सकता हूँ। दरअसल इसमें मैंने ये थीम लगाई हुई है। देन उसके बाद मैं कुछ और डिस्प्ले पे थीम लगा लेता हूँ तो हमारे बैंड में चेंज हो जाती है। तो आप देख ही रहे होंगे जिस तरह से मैं इसमें चेंज करता हूँ कुछ भी थीम्स वगैरह को तो वो चेंज हो जाती है। तो ये मेरी कस्टम थीम थी एक। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि अगर मैं पिक्चर्स वगैरह लगाना चाहूँ अपने इस बैंड के बैकग्राउंड में तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें डायल सेंटर का एक ऑप्शन दिया गया है, उसमें कस्टम डायल का एक ऑप्शन रहता है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। देन बैकग्राउंड का एक ऑप्शन इसमें दिया गया है तो इस पर क्लिक करके मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ, तो मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद एडजस्ट कर लेता हूँ मैं इस पिक्चर को, देन ओके पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नीचे की तरफ इसमें आएगा माउंटेड टू दी ब्रेसलेट, तो मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद इसमें इनिशियलाइजेशन शुरू हो जाती है हमारे बैंड में भी। जब ये इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी देन उसके बाद इसमें पिक्चर शो हो जाएगी। आप देख ही रहे होंगे कि हमारा जो बैंड है इसमें भी फ़ोटो शो हो गई है। तो कुछ इस तरह से हम ये पिक्चर भी सेट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें ये बैंड खरीदना चाहिए या नहीं और कहां से मैंने इस बैंड को ऑर्डर किया है, क्या इसका प्राइस रहता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके प्राइस के बारे में तो इसका प्राइस रहता है 3700 या 3800 रुपए के करीब। मैंने इसको एक इंटरनेशनल वेबसाइट से ख़रीदा है। और अगर मैं बात करूँ कि हमें ये बैंड क्यों नहीं ख़रीदना चाहिए, दरअसल इसमें हमें 2 या 3 कमियाँ देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहली रहती है कि ये चाइनीज़ लैंग्वेज में आता है, उसके बाद हमें कुछ मेथड अप्लाई करके इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो इसकी लैंग्वेज है वो चेंज करनी पड़ती है। देन उसके बाद इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर ये इंडिया में मी बैंड 4 के नाम से लॉन्च होता है तो इसका प्राइस अप्रोक्सीमेट 2500 से 3000 रुपये के करीब होगा, वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है अगर हम इसको इंटरनेशनल वेबसाइट से ख़रीदते हैं। और साथ के साथ हमें कोई भी वारंटी वगैरह नहीं देखने को मिलेगी अगर हम इसको इंटरनेशनल वेबसाइट से ख़रीदते हैं। तो कुछ इस तरह की कमियां रहती हैं, तभी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि अगर आप इस बैंड को ख़रीदने की सोच रहे हो एक इंटरनेशनल वेबसाइट से तो मत खरीदना, इंडिया में जब ये लॉन्च होगा तभी खरीद लेना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबाना न भूलें। साथ के साथ कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी म्यूजिक रैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए।